तो आज का हमारा वीडियो अंडर 14 और 15,000 रुपीज़ स्मार्टफोन। तो भाई हमारे पहले नंबर पे दोस्तों आता है पोको का M2 Pro, जो कि भाई आपको मिलता है भाई 48 मेगापिक्सल दोस्तों, 586 सेंसर है सोनी का IMX, और भाई फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल दोस्तों एक सेल्फी का कैमरा, वो भी 720G का दोस्तों आपको एक दमदार प्रोसेसर मिलेगा जो कि दोस्तों 8 नैनोमीटर पर आर्किटेक्चर है। तो भाई आपकी बैटरी एफिशिएंट एक नंबर होने वाली है। और भाई देखो इसमें दोस्तों आपको भाई इंडिया का दोस्तों एक नेविक दोस्तों सैटेलाइट से दोस्तों ये फ़ोन कनेक्ट होगा, तो भाई आपका कोई भी लोकेशन और दोस्तों आपका कोई भी डाटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। वो भाई 33 वोल्ट की दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जो कि भाई एक होगी 5000 mAh की बैटरी के साथ। और भाई पोको M2 Pro यार आपने बहुत, मैं कह रहा हूँ आप मेरे फेवरेट स्मार्टफोन बन चुके हो अंडर 14,000 रुपीज़ स्मार्टफोन में। और भाई दोस्तों आपको इसके अंदर मैं बता रहा हूँ डिस्प्ले दोस्तों आपको मिलेगा 6.67 इंच का दोस्तों डिस्प्ले होगा। भाई आपको एक बीच में दोस्तों आपको एक नोच मिलेगा, और भाई बिल्कुल दोस्तों एक हल्का सा मतलब पंच होल किया गया है। और भाई दोस्तों आपको मिलेगा इसमें जेड शॉक की दोस्तों आपको एक वाइब्रेटिंग मोटर मिलेगी, जो कि आपके फ़ोन को दोस्तों मतलब एक शॉक सा ही देगा आपको, उसको बोलेंगे हम जेड शॉक। तो भाई पोको ने भाई ऐसी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई, तो आपको एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा मतलब फीडबैक, एक हैप्टिक फीडबैक दी दोस्तों आपको। इसमें 3 वेरियंट मतलब कलर वेरियंट मिलेंगे, और भाई ये आपको कैमरा सेंसर मिल रहे हैं। तो भाई ये है अल्ट्रा वाइड सेंसर, तो आप देखिए दोस्तों कैमरा क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ दोस्तों बहुत अच्छा कैमरा दिया गया, पर दोस्तों 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड, तो शायद और अच्छा हो सकता था, पर यह बहुत अच्छी क्वालिटी ली है मैंने पर्सनली दोस्तों ये फ़ोन यूज़ किया है। और भाई इसकी परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो ये स्मार्टफोन मैं बोल रहा हूँ आपका जो भी मतलब मीडियाटेक का प्रोसेसर है, मीडियाटेक को बुरा नहीं बोलता, पर भाई 720G दोस्तों मैं मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट स्मार्टफोन और प्रोसेसर है। भाई GPU और CPU दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, इसमें आपको LPDDR दोस्तों 4X की रैम मिलेगी और UFS 2.1 की स्टोरेज। और भाई देखो ये नाइट मोड का दोस्तों आप देख पाएंगे इतनी अच्छी क्लैरिटी यार नाइट में, तो भाई यार पोको से एक्सपेक्ट भी किया। तो भाई ये इसका मेन सेंसर है और बहुत अच्छा है, फ्लैगशिप सेंसर है। और दोस्तों इसमें थोड़े से पंची कलर थोड़े बूस्टअप होकर आते हैं, तो भाई पोको ने बताया कि भाई हमने थोड़ा सा इसमें ऑप्टोमाइज़ किया, तो भाई बहुत अच्छा लगा पोको। और भाई फ़ोन सच में बहुत दमदार फ़ोन है। अब दोस्तों फिर से ये आ गई है जो कि जेड शो के दोस्तों मोटर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, क्योंकि इसलिए हाईलाइट हुई कि इसमें मतलब एक फ़ोन का दोस्तों फीडबैक भी बहुत अच्छा देना, बहुत रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है। और भाई इसके दोस्तों आपको प्राइस मिलेगी 14,000 रुपीज़, और भाई इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 33 वाट की चार्जिंग के साथ। और भाई बैटरी और गेमिंग में दोस्तों आपका फ़ोन बहुत अच्छा चलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज़ का, यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ दोस्तों टच पुलिंग दिखाया गया, तो वो एक अलग चीज़। और भाई 20:9 का आपको वो मिलेगा। और भाई इसमें देखो मैं आपको बताया था भाई मोटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है, वही एक हाईलाइट करना बनता भी है। और आपको उस टेस्ट मिलेगा साइड में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर, तो बहुत अच्छी बात। तो भाई फास्ट है भाई, फेस अनलॉक भी है, और 5 मेगापिक्सल दोस्तों आपको एक माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी फोटो क्लिक करेगा। भाई देखो आप बताया भाई नेविक से दोस्तों कनेक्ट, तो भाई हमारे इसरो के लिए भाई हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारा फ़ोन दोस्तों हमारे इंडेक्स सैटेलाइट से कनेक्ट होकर हमारी लोकेशन देख पाएगा मतलब। और भाई ये आपको फ्रंट कैमरा के दोस्तों सैंपल देखने को मिलेंगे, वो 60 मेगापिक्सल दोस्तों फ्रंट कैमरा, भाई गोरिल्ला ग्लास 5 की दोस्तों प्रोटेक्शन मिलेगी आपको इसके अंदर, गोरिल्ला ग्लास दोस्तों 5, तो मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें कोई भी प्राइस कटिंग नहीं की गई है, और अच्छा फ़ोन है भाई। इसमें मेरा मानना है दोस्तों ये ब्लैक कलर दोस्तों मेरा फेवरेट कलर है दोस्तों, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप ये ब्लैक थोड़ा ग्रे टाइप का ये बाय करिएगा, और कलर भी ठीक है आपकी पसंद है, पर मेरा फेवरेट ब्लैक है। और 5000 mAh की दोस्तों मैंने आपको बैटरी बताई, जो कि दोस्तों 33 वोल्ट के साथ आई थी, वो भी अंडर 14,000 रुपीज़ दोस्तों, इससे फास्ट दोस्तों कोई नहीं दे रहा। और दोस्तों आप बेंचमार्क स्कोर चेक कर लीजिए, 720G और 730G दोस्तों बिल्कुल सेम है, बस दोस्तों थोड़ा सा ओवरक्लॉक है भाई। ओवरक्लॉक होने से दोस्तों क्या होता है कि 730G हीट करेगा पर 720G हीट नहीं करेगा। और एड्रियो दोस्तों आपको मिलेगा 618 दोस्तों GPU, जिसकी परफॉर्मेंस दोस्तों मैं बोल रहा हूँ बिंदास, और भाई क्राय कोर मिलेगी आपको 465 की, जो कि CPU की है। और वाईफाई दोस्तों आपको 6G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। भाई इसका दोस्तों नाइट मोड है ना भाई, बहुत दमदार नाइट मोड यार, मैं सच में इसका फ़ैन हो गया। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ना कोई मीडियाटेक का दिया गया है भाई, स्नैपड्रैगन लव है आपको बहुत ज़्यादा। और भाई आपको इसमें एमआई दोस्तों 12 देखने को मिल जाएगा विद एंड्रॉयड 10 के साथ, पोको लॉन्चर भी मिलेगा, वो आपकी पसंद आप किस पे शिफ्ट करेंगे। और भाई साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों ठीक है यार, बहुत अच्छा है, पर डिस्प्ले होता पर यार देखो जो फ़ोन में दिया गया। अब दोस्तों बात होगी भाई रियलमी के दोस्तों 7 फ़ोन की, जो कि अंडर 15,000 रुपीज़ दोस्तों स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। तो भाई ये है अंडर 15,000 दोस्तों सबसे बेस्ट, और भाई वो था 14,000 रुपीज़ में। तो भाई इसका दोस्तों जो कैमरा भाई आपको मिलेगा बिल्कुल स्टेबल कैमरा, तो भाई इसमें आपको दिया गया आपको कोई भी शेक की फोटो नहीं मिलेगी। और भाई इसका कैमरा दोस्तों बहुत ज़्यादा हाईलाइट है रियलमी 7 का, भाई रियलमी 6 आया था अच्छा स्मार्टफोन था, तो भाई ये रियलमी 7 है, तो उसका अपग्रेड वर्जन है। और भाई इसमें आपको मिलेगा दोस्तों हीलियो को दोस्तों G95, ठीक है। तो भाई इसमें आपको परफॉर्मेंस तो बहुत दमदार परफॉर्मेंस मिलने वाली है भाई, आपको इसमें मिलेगा
240 FPS दोस्तों आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे स्लो मोशन में। तो दोस्तों ये इसे दोस्तों बैक साइड से डिज़ाइन है और बहुत अच्छा है। और भाई इसमें आपको मिलेगा 682 का दोस्तों सोनी का IMX सेंसर। और भाई ये कुछ हाईलाइट है जिसको भाई हीलियो G95 30 वोल्ट की चार्जिंग, 90 Hz का डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी। और भाई इसमें 5G की दोस्तों कूलिंग दी गई है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। और दोस्तों ये रियलमी UI पे दोस्तों आपको रन करता हुआ दिखाई देगा और गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन। तो भाई एक 90 Hz का डिस्प्ले दिया गया है और अच्छी बात है। और भाई रियलमी UI पे दोस्तों ये भाई रन करेगा। और चलो ठीक है, एंड्रॉइड 10 का वर्जन दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स और एंड्रॉइड 11 भी आपको देखने को मिलेगा। और भाई G95 दोस्तों इतना अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। अगर आपको गेमिंग करनी हो भाई 90 Hz का डिस्प्ले मिल रहा है विद और LPDDR4X की रैम मिल रही है, UFS 2.1 की स्टोरेज जो कि वर्ल्ड की फास्ट स्टोरेज तो नहीं, इस प्राइस में दोस्तों सबसे बेस्ट स्टोरेज यही मान सकते हैं। वो भाई 3 लाख से दोस्तों फालतू भाई इस पे 3 लाख से फालतू आंतु बेंचमार्क स्कोर है। और दोस्तों आपको इसमें 5 MP दोस्तों आपको माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा जो कि आपके पास सैंपल आ रहे हैं। देखिए भाई इसको डिटेल अच्छी है, देखो किसी में 2 होता है पर दोस्तों इसमें 5 देगा। तो भाई मैं रियलमी दोस्तों अप्रिशिएट करूँगा कि भाई अच्छी चीज़ की है। और ये अल्ट्रा वाइड सेंसर दोस्तों आपको मिलेगा, तो आप देखिए इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर दोस्तों बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर पा रहा है और अच्छा है रियलमी का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो रियलमी 7 यह फ़ोन बुरा नहीं है और अच्छा है। आपको अगर गेमिंग के लिए चाहिए, कैमरे के लिए चाहिए, तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ें इस फ़ोन में अच्छी देखने को मिल जाएंगी। और भाई यहाँ पे दोस्तों आपको ये नाइट मोड दोस्तों देखने को मिलेगा। तो भाई नाइट मोड यार फ़ोन का भाई बहुत अच्छा है क्योंकि दोस्तों इसमें सोनी का 682 दोस्तों सोनी का सेंसर दिया गया IMX का। तो भाई ये एक फ्लेक्सिप सेंसर भाई सबसे नया सेंसर जो कि दोस्तों भाई इस फ़ोन में दिया गया, तो अच्छी अच्छी चीज़ दोस्तों। और भाई इसमें 500 mAh की बैटरी और 30 वोल्ट की चार्जिंग, वो भी 26 मिनट के अंदर दोस्तों आपको 50% से फालतू हो जाएगा। भाई इसमें आपको बहुत दोस्तों मैं कह रहा हूँ फ़ोन स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों आपको ये फ़ोन लेना है तो under 50,000 rupees दोस्तों आप बिना सोचे समझे 664 के पास दोस्तों ये फ़ोन, मतलब ये 464 नहीं है, 6 GB रैम, 64 GB दोस्तों आपको इसके अंदर स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो भाई आपका बेस्ट स्मार्टफोन होगा। और मेरी तरफ से दोस्तों भाई रियलमी को थम्स अप है। under 15,000 rupees तो रियलमी 7 और 14 में दोस्तों आपका है पोको M2 Pro। दोस्तों बाय, टेक केयर।